उत्तर प्रदेश के कासगंज में 22 साल के अल्ताफ की थाने में संदिग्ध मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पुलिस का कहना है कि अल्ताफ ने थाना परिसर में बने शौचालय में आत्महत्या की है, लेकिन अल्ताफ की मौत पर विपक्ष ने सरकार और पुलिस को घेरा है। विपक्षी नेताओं का दिन भर पीड़ित परिवार के घर पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। नेताओं ने पीड़ित परिवार के एक सदस्य को नौकरी और परिवार को मुआवजे की भी मांग उठाई। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या पर हंगामा हो गया है। खुर्शीद ने इस किताब में हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठन आईएसआईएस और बोको हरम से की है। इसकी शिकायत दिल्ली पुलिस में की गई है। खुर्शीद पर आरोप है कि उन्होंने हिंदुत्व को बदनाम करने की कोशिश की है। वहीं बीजेपी ने सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी पर निशाना साधा है। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड से संबंधित जमीन की अवैध बिक्री मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की। ईडी ने पुणे के 7 ठिकानों पर छापेमारी की। खास बात यह है कि वक्फ बोर्ड महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक के मंत्रालय के अंतर्गत आता है और ईडी की यह कार्रवाई ऐसे वक्त हुई है जब नवाब मलिक क्रूज ड्रग्स केस को लेकर एनसीबी और जांच अधिकारी समीर वानखेड़े पर लगातार निशाना साध रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस पर आरोप लगाए थे। इसे लेकर फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने नवाब मलिक के खिलाफ कानूनी रास्ता अपनाया है। अमृता फडणवीस ने नवाब मलिक पर अपने परिवार की छवि को तार तार करने का आरोप लगाते हुए उनके कथित अपमानजनक ट्वीट को लेकर उन्हें एक कानूनी नोटिस भेजा है। पंजाब विधानसभा में मुख्यमंत्री चन्नी की स्पीच के दौरान हंगामा हुआ। हंगामा इतना बढ़ गया कि नवजोत सिंह सिद्धू और अकाली दल नेताओं में झड़प हो गई। वहां बात हाथापाई तक पहुंच गई थी। सीएम चन्नी ने विक्रम सिंह मजीठिया से कहा कि आपका रोम रोम गंदगी से जुड़ा है, आप नशे के कारोबार से जुड़े रहे हो। इस पर अकाली दल के सदस्य भड़क गए। देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने गुरुवार को सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों को निर्देश जारी किया। निर्देश में कहा गया है कि हर घर दस्तक अभियान के तहत हर वयस्क को टीके की पहली खुराक देना सुनिश्चित करें। देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ एक वर्चुअल वार्ता के दौरान मंडाविया ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी से लड़ाई अब अपने अंतिम चरण में है। बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कफील खान को योगी सरकार ने बर्खास्त कर दिया है। 4 साल पहले उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से 60 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई थी। इस मामले में डॉक्टर कफील खान को निलंबित कर दिया गया था, तो डॉक्टर कफील खान ने अपने निलंबन को हाईकोर्ट में चुनौती दी। मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है। इस बीच योगी सरकार ने उन्हें बर्खास्त कर दिया है। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार की टीम में जल्द ही बदलाव हो सकते हैं। फिलहाल राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र दिल्ली के दौरे पर हैं और वो 13 नवंबर को जयपुर वापस आ रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि सोमवार की सुबह यानी 15 नवंबर को राजभवन में मंत्रिमंडल विस्तार के तहत नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। तमिलनाडु के ज्यादातर हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। भारी बारिश ने कई जिलों की स्थिति खराब कर दी है। जनजीवन अस्त व्यस्त है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चेन्नई में भारी बारिश के कारण उत्पन्न हालात पर चिंता व्यक्त करते हुए गुरुवार को पार्टी कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वो राहत और बचाव कार्य में मदद करें। भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को गिरावट का दौर जारी रहा। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स गुरुवार को लाल निशान पर बंद हुए। सेंसेक्स 433 अंक या 0.72% की गिरावट के साथ अपने 60,000 के स्तर से नीचे आ गया। गुरुवार को सेंसेक्स 59,919.69 के स्तर पर बंद हुआ। कारोबार के अंत में निफ्टी में भी पिछले सत्र के मुकाबले 143 अंकों की कमी आई।